नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, 8 नवंबर को है पूर्णिमा का दिन, वह भी कार्तिक मास की पूर्णिमा का, जो कि साल की सबसे बड़ी शुभ और फलकारी पूर्णिमा मानी जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस दिन देश भर में लोग भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन देवों द्वारा दीपावली भी मनाई जाती है, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को देव दिवाली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान या किसी पवित्र नदी में स्नान करने का विशेष लाभ है। कहते हैं कि अगर पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो घर में ही सूर्योदय से पहले नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान इस दिन करना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन क्षमता अनुसार अन्न वस्त्र का दान करना भी अत्यंत शुभ होता है। पूर्णिमा तिथि पर चावल का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है। ज्योतिष के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, घर में सुख और लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने का हजारों गुना फल मिलता है, इसीलिए इस दिन गरीबों को गर्म कपड़े गर्म चीज़ों का दान किया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से सभी परेशानियां व्यक्ति की दूर हो जाती हैं, इसके साथ ही साथ धन की कमी भी दूर होती है। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन देवता दीपावली मनाती हैं, इसीलिए इसे देव दीपावली भी कहती हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस दिन खासकर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की संध्या काल में पूजा होती है। सत्यनारायण भगवान की कथा पढ़ने और सुनने से भी इस दिन विशेष लाभ मिलता है। बता दें कि इस दिन दान आदि का 10 यज्ञों के समान फल होता है, इसलिए इस दिन दान का बेहद महत्व है। इस दिन सामर्थ्य अनुसार अन्न दान वस्त्र दान समेत जो भी दान आप कर सकती हैं उसे आप जरूर करने का प्रयास करें। खासकर दोस्तों, इस दिन में शालिग्राम के साथ माता तुलसी जी की पूजा सेवन और सेवा का महत्व है। इस दिन माँ तुलसी पूजा, गंगा पूजा, विष्णु पूजा, लक्ष्मी पूजा और यज्ञ हवन का भी महत्व है। इसमें किए स्नान दान होम यज्ञ और उपासना आदि का अनंत फल प्राप्त होता है। इस दिन माता तुलसी जी के आगे दीपक आप जरूर जलाएं। इस दिन उपवास कर भगवान का स्मरण चिंतन से 10 यज्ञों के समान फल मिलता है और सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार कार्तिक पूर्णिमा की तिथि इसलिए भी ज़्यादा खास है क्योंकि दोस्तों, इस दिन निकलने वाला चांद 70 सालों के इतिहास का सबसे बड़ा और चमकीला चांद होगा। जी हाँ दोस्तों, बताना चाहेंगे कि इस दिन चंद्रमा ठीक 180 डिग्री पर होता है। इस दिन चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं वह काफ़ी सकारात्मक होती हैं। यह किरणें सीधा दिमाग पर असर डालती हैं। चूँकि चंद्रमा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है, इसीलिए पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव चंद्रमा का ही पड़ता है। इसलिए दोस्तों, इस कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन हर मनुष्य को अपनी मानसिक ऊर्जा में वृद्धि करने के लिए चंद्र को अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। बताना चाहेंगे कि इस दिन मनुष्य को पूरे दिन उपवास रखकर एक समय भोजन करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय का दूध, केला, खजूर, नारियल व अमरूद आदि फलों का दान भी करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, किसी भी ब्राह्मण बहन व बुआ आदि को कार्तिक पूर्णिमा के दिन दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। शाम के समय भगवान विष्णु का प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का उच्चारण कर चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। और दोस्तों, इस दिन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा कुछ राशि वालों पर भी पड़ने वाली है।
और दोस्तों इन राशि वालों का अब भाग्योदय होने वाला है। तो आखिर ये राशियां कौन सी हैं और इन्हें क्या लाभ देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी भी जरूर लिख दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस बार 227 सालों के बाद ग्रह नक्षत्रों की ऐसी चाल बनी है जिसमें कि ऐसा संयोग बना है जो कि ऐसी 6 राशियां हैं जिनकी किस्मत बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन राशि के लोगों के लिए ये सितारों की स्थिति बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाने वाली है। आपके मन में किसी भी प्रकार की अशांति अगर घिरी हुई थी तो अब वह माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा से तुरंत दूर हो जाएगी। शारीरिक परेशानी से भी आपको इस दौरान छुटकारा प्राप्त होगा। खास करके धन संपदा का आपके घर में इस दिन से आगमन होगा। आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ परिश्रम करने, प्रयास करने की किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़नी है। चाहे आप व्यापारी हो या चाहे आप नौकरी पेशा हो, आपको अपने जीवन में इस समय में सफलता अवश्य ही प्राप्त होगी। अगर कोई कर्जा आपके सिर पर चढ़ा हुआ है तो वह भी उतरने का समय अब आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी को कर्जा आपने दिया हुआ है या आपका पैसा कहीं अटका हुआ है तो वह भी जल्द वापस ज़रूर आएगा। अगर कोई नई योजना आप बना रही हैं तो उसके लिए सलाह मशवरा आप ज़रूर कर लें। किसी एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति से आपको विचार विमर्श करना चाहिए। इस दौरान घर परिवार को अगर आप समय देंगे तो आपको उनसे भी बहुत अच्छी सलाह मिल सकती है और ये नई योजना आपकी सफलता का सबसे बड़ा कारण भी बन सकती है। दोस्तों इस दौरान आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलने वाला है। आपके परिश्रम का अब रिजल्ट आने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस महासंयोग से इन राशियों पर विशेष कृपा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी करने वाले हैं, जिससे इन राशि वालों के जातकों का अब अच्छा समय शुरू होने वाला है। अपने मित्रों से आपको इस दौरान सहयोग मिल सकता है। यात्रा के भी योग बनते दिख रही हैं। आपको इस दौरान अचानक धन लाभ हो सकता है। किसी बाहरी व्यक्ति से वाद विवाद होने के संकेत भी बन रहे हैं, इसलिए आपको यही सलाह है कि आप इस दौरान किसी से भी वाद विवाद व लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी ना पड़े। अपनी वाणी पर संयम रखें, अपनी जुबान पर विशेषकर आप कंट्रोल रखें। दोस्तों इस दौरान नौकरी पेशे वाले व्यक्ति की पदोन्नति हो सकती है। व्यापारियों के लिए भी यह समय उत्तम है। हालांकि दोस्तों उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहने वाली है। इस दौरान प्रेम संबंधों में आपकी मधुरता आएगी। पत्नी का आपको, अपने जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस महासंयोग से आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। धन का जो आज तक आपके जीवन में अभाव चल रहा था अब वह खत्म होने वाला है। दोस्तों अब चलिए आपको हम बता देते हैं कि आखिर यह भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं जिनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि यह राशियां हैं वृषभ राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, मेष राशि और मकर राशि। दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें।